महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा हुई तैयार, पहली लिस्ट में कर दिया धुरंधरों का ऐलान। 99 नामों की लिस्ट में छिपे हैं कई राज, भाजपा की रणनीति ने उड़ाए विपक्ष के होश। महाराष्ट्र में भाजपा ने की जाति गोलाबंदी, कांग्रेस के हमले से पहले ही तैयार की ढाल। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, 20 नवंबर को प्रदेश में वोटिंग होगी और 23 नवंबर को परिणाम आएगा और भाजपा ने प्रदेश की राजनीति में अपना दबदबा दिखा दिया है। बिना दूसरी पार्टियों के परवाह किए बिना ही उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। 99 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, देवेंद्र फडणवीस से लेकर कई बड़े बड़े चेहरों को इस लिस्ट में मौका दिया गया है। इसके साथ ही भाजपा ने इस लिस्ट में जातियों का ऐसा समीकरण बनाया है जिसे कर कह सकते हैं राजनीतिक जानकार भी हैरान हो गए हैं। तो चलिए आपको लिस्ट में किन किन नामों की चर्चा है और कैसा जाति समीकरण बनाया गया है विस्तार से बताता हूं। बीजेपी की पहली लिस्ट में कुछ नेताओं के टिकट इस बार काटे भी गए हैं, वहीं साथ में कई जगहों पर पुराने विधायकों पर पार्टी ने भरोसा जताया है। देवेंद्र फडणवीस को जो डिप्टी सीएम है उन्हें नागपुर दक्षिण पश्चिम से चुनावी मैदान में उतारा गया है। महाराष्ट्र बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले को कामेठी सीट से टिकट दिया गया है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और अशोक चौहान जो कांग्रेस के दिग्गज नेता थे, उनकी बेटी सृजया चौहान को भोकर से इस बार चुनावी मैदान में उतारा गया है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे के बेटे संतोष दानवे को भोनकर दन सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया है। महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीटें हैं। एनडीए गठबंधन की बात करें तो भाजपा, शिवसेना, शिंदे और एनसीपी अजीत गुट में सहमति बन गई है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि भाजपा 155, शिवसेना शिंदे 78 और एनसीपी अजीत पवार 55 सीटों पर चुनावी मैदान में उतरेंगे और साथ में गठबंधन की तस्वीर साफ होने से पहले ही भाजपा ने 99 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। भाजपा ने इस लिस्ट में 6 सीटें एसटी और 4 सीटें एससी के लिए रिजर्व की हैं और उन्हें टिकट दिया है। वहीं 13 सीटों पर महिलाओं को टिकट दिया गया है। लिस्ट में कई नए चेहरों को भी मौका दिया गया है। इसमें 11 ऐसे नाम है जो बीजेपी के टिकट पर पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, यानी युवा हो, जाति गठबंधन हो, महिलाओं हो, सबका मिश्रण नजर आ रहा है। भाजपा ने मुंबई की 36 में से 14 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। भाजपा ने इस लिस्ट पर नीतीश राणे और राहुल नार्वेकर को भी टिकट देकर धर्म को साधा है, तो एससी एसटी जातियों को चुनावी मैदान में उतारकर जातियों को भी साध लिया है। वहीं भाजपा की लिस्ट पर जानकार कह रहे हैं कि काफी सदी हुई लिस्ट है, इससे पूरी तरह से जाति गोलाबंदी भी हो जाएगी। वहीं नार्वेकर के टिकट से धर्म को भी साध सकते हैं। फिलहाल आप किस देखते हैं भाजपा की इस लिस्ट को? क्या भाजपा इस बार महाराष्ट्र में सरकार बना पाएगी या नहीं? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।